हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड का एक मंदिर है, उसका नाम है पूर्णागिरी। और चलिए आज माता के दर्शन कराएंगे हम लोग। साथ में खटीमा से मेरी नानी शायद आएंगी या मामा आएंगे, तो चलते। वो तरकपुर से थोड़ा सा आगे है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं क्या रखा हूँ कि ठंडी होती है ना वहाँ, थोड़ा पहाड़ों की साइड हुआ, इसी वजह से मैं पूरे अच्छे से पहन के आ रखा हूँ। जैकेट भी ला रखा हूँ डर के बारे में, जुकाम वुकाम ना हो जाए करके। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी नानी के घर आ चुका हूँ, तो चलते अंदर। हाँ, वो भी लोग तो देखते हैं अंदर। ये एक रूम है, तो नाना जी पता नहीं कहाँ है। नाना जी, तो कहाँ है मेरे बाबू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में, तो वहाँ से जाएंगे ना। तो नाना जी तो नहीं आए, मामा और नानी आए, तो चलते हैं। वो जा रहे हैं मामा, अब वो वहाँ पे पापा हैं, बात कर रहे हैं। तो इसके बाद तो नॉन स्टॉप ही चलेंगे, इधर संतरे भी ले लें ना, रास्ते में भूख लगी तो संतरे भी खा लेंगे, चलते हैं। ये रही हमारी गाड़ी। अब हम पहुंच चुके हैं टनकपुर, और यहाँ पे पहाड़ आ चुके हैं, हम जाएंगे नहीं, पूरा इतने पहाड़ दिख रहे हैं। और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे पूर्णागिरी। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं पूर्णागिरी, और हमने गाड़ी वहाँ पार्क कर दिया, पैदल जाना 2 किलोमीटर तक। तो यहाँ से और हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, ले रही हैं प्रसाद, ये है यहाँ पर प्रसाद की दुकान। जो मोटा सा सब बंदर है कंगारू। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ करेगा तो नहीं ना, वो डर बहुत लग रहा है। वो देखिए इतना अच्छा है, लंगूर है। हाँ, इतना बड़ा है ना, रियलिटी में देखने में ना थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा कैमरे में देखने में रियलिटी में बहुत बहुत बड़ा दिख रहा है। बहुत बहुत लंबा मंदिर है, बहुत लंबा है, थक गए बहुत थक गए। और सामने यहाँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे मैंने भी अभी देखा था, घोड़े इतने थे और कंगारू देखी, मैंने आपको भी दिखाया।
जो जो मैं देखता रहूंगा वो मैं आपको भी दिखा दे रहूंगा। तो ये एक और दुकान है भाई, यहाँ पे बहुत दुकानें हैं, देख सकते हैं आप सामने। ये देखिए सामने एक और दुकान है, और यहाँ से मुझे तो भोलेनाथ बाबा की। तो फ्रेंड्स, भोलेनाथ बाबा जी की ये है मूर्ति, शिव जी की यानी। और आगे भी देखते हैं आगे कुछ ऐसा है। तो अब हम माता जी के गेट में एंटर कर चुके हैं और चलते हैं आगे भी। चलिए आगे चलते हैं। ये नानी, मामा, पापा तो आगे चले गए, मैं, मम्मा पीछे गए। ये गंदी बात की है, छोड़ के चले गए, बहुत गंदी बात। और रास्ते में मैंने ये पहन लिया और अपने माइक को यहाँ पे रखा दिया, हेडफोन है मेरा जो कि ना जो कि। तो काफी मजा आ रहा है और थक भी जा रही है, क्योंकि चढ़ाई में बहुत बहुत चढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये जो नदी है, इधर से इधर इंडिया है, उधर नेपाल है, जी यहाँ का बॉर्डर दिख रहा है। ठंडी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है चढ़ाई चढ़ने के लिए। अभी और चढ़ना है, थक गया हुआ तो बहुत। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, मैं घंटी बजाने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बज नहीं रही है। बहुत हम फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं। और वो देखिए बंदर 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 बंदर, देखिए दो दो बंदर हैं, दो आ गए बंदर। फाइनली अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पंडित जी की पूजा चल रही है। मैं दर्शन करता हूँ, जय माता दी। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग भैरव मंदिर पे आए थे। तो ये था हमारा भैरव मंदिर, अब यहाँ से जाएंगे हम लोग पार्किंग में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर से, और काफी अच्छा मंदिर था, काफी नई नई चीजें देखी। और चढ़ते हुए तो मैं ना थक गया था, और आते हुए दर्शन करने के बाद आते हुए खुश होकर आया, तो काफी अच्छा लगा और काफी मजे भी किए। बहुत गड्ढे भी आ रहे हैं ना, रोड भी यहाँ की थोड़ी बहुत खराब है, इसी वजह से बहुत बार इतने गड्ढे गड्ढे आ रहे हैं, हिले हिले जा रहे हैं। काफी अच्छी नदी है, मैं आपको भी जरूर दिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी नदी है यहाँ पे। और उनमें से नानी बैठी हैं। नानी, आपको यहाँ पे मंदिर में कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। और मम्मी भी मेरे साथ यहाँ पे है, पापा, मामा, हम पांच लोग गए थे। चलो हम नदी देख के आते, काफी मजा आएगा। चलो चलो उतरो मम्मा, मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ कि नदी में जाएंगे। ये बड़ी नदी बोल नानी बोल रही थी, बहुत बड़ी नदी है, तो चलेंगे जैसी भी नदी होगी घूमेंगे। लेकिन तो
चलो चलते हैं हम नीचे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के पास। ये नदी, बहुत थक भी गए तो मुसेंड है ये, देख सकते हैं आप। मैं इसमें डंडा ले रहा हूँ क्योंकि सैंड अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी मैंने गाड़ी की लाइट नहीं चलाई है वरना पापा ड्राइविंग कैसे करेंगे। और अभी भी मैं गाड़ी में ही हूँ। हम लोग पहुँचने वाले हैं, हम लोग नानकटा डैम आई थिंक क्रॉस कर लिया है ना भाई। ओके तो नानकटा डैम क्रॉस, और ये है बाहर का यहाँ का व्यू। जो हमारी वहाँ पूनागिरी धाम की जो ट्रिप थी वो बहुत इंटरेस्टिंग रही और यादगार रही। उस पे हमने 6 किलोमीटर का ट्रैक भी किया। और अगर आप इस लोकेशन में विजिट करना चाहते हैं तो दिल्ली से ये 300 किलोमीटर पड़ता है और इसका नियरेस्ट रेलवे टनकपुर में है और इसका नियरेस्ट बस स्टॉप भी टनकपुर में ही है। तो आप अगर इसमें विजिट करना चाहते हैं तो बस या ट्रेन के माध्यम से आप इसमें जा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।